जाने के लिए अखिलेश यादव जब एयरपोर्ट पर गए तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोक दिया और आगे जाने से इनकार कर दिया, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा हो गया और उन्होंने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बताया, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लोग प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके मुख्यमंत्री बने हैं या मंत्री बने हैं या सदस्य बने हैं, जाकर के सदनों में पहुंचे हैं। तो एक तरफ तो ये दावा करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हमारे तमाम लोग पॉलिटिकल इन स्थानों पर पहुंचे हैं। वो सूची लंबी है जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री तक बने हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि देश और दुनिया का कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धारा अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप, एक कोई धारा लगी हो तो बताएं। अभी तक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में बहुत तख्ती की बात करते हैं वो, आज हम उनकी तख्ती दिखाना चाहते हैं कि उनकी तख्ती पर कितनी धाराएं लगी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी तख्ती जरूर आए इनके सामने। जो मुख्यमंत्री तख्ती की बात करते हैं उनकी तख्ती देखिए, जो ये कहते हैं कि तख्ती तो ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं, देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर। और ये देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी धाराएं खुद ही वापस ली होंगी। और ये धाराएं किस बात की लगी हैं सोचिए, किस बात की धाराएं हैं। ये तो एक मुख्यमंत्री जिनकी तख्तियां थी, आप देख लीजिए कलर्ड फोटोग्राफ है, कलर्ड फोटोग्राफ है, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिले भी होंगे शायद आप उनसे। और ये तो आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर देखेंगे तो यही धाराएं दिखी देंगी, कोई हमने नहीं बनाई हैं, ये हैं। वो आप पढ़ लेना, इतने पढ़े लिखे आप हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं आप अच्छा, आईपीसी की धाराओं को इंटरप्रेट सीख कर सकते हैं आप। ये दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, ये तो केवल दो दिखा रहा हूं मैं उनकी तख्तियां, ये दो तख्तियां हैं दो की अभी। और वो हमसे कह रहे हैं कि हम हिंसा फैलाना चाहते हैं। अभी चुनाव के दिन कम हैं, चुनाव में जनता इंतजार कर रही है इन तमाम लोगों के जिन्होंने शपथें ली हुई हैं, दो 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 शपथ लेने वालों का इंतजार जनता कर रही है।